हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संचिका गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, द स्किन हाउस, फरीदाबाद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिर्सुटिज्म के बारे में, यानी कि फीमेल्स में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन अ मेल लाइक पैटर्न। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिर्सुटिज्म किन कारणों की वजह से होता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज हिर्सुटिज्म। फीमेल्स में जब थिक, डार्क, कोर्स हेयर एक्सेसिवली ग्रो होता है इन अ मेल लाइक पैटर्न, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे हेयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं होती, उसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। अब जानते हैं कि हिर्सुटिज्म क्यों होता है। हिर्सुटिज्म का मेन रीजन है मेल हॉर्मोन का ज्यादा बढ़ना, यानी कि एंड्रोजन का ज्यादा प्रोडक्शन होना। ऐसा उन फीमेल्स में देखा जाता है जिनमें हॉर्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या होती है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे हम पीसीओडी बोलते हैं, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्पेशली ओवरवेट फीमेल्स में, या उन फीमेल्स में जिन्हें थायराइड डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा कुछ और भी अनकॉमन कंडीशंस होती हैं जिसमें हिर्सुटिज्म देखा जाता है, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, या फिर ओवरीज या एड्रिनल ग्लैंड में एंड्रोजन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स जब डेवलप हो जाते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिंस भी होती है जिससे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिंस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या साइक्लोस्पोरिन। 5-15% ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कोई रीजन नहीं मिलता, जिसमें कोई हॉर्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, उन्हें हम इडियोपैथिक हिर्सुटिज्म का नाम देते हैं। अब जानते हैं कि हिर्सुटिज्म के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हिर्सुटिज्म में फीमेल्स में डार्क कोर्स हेयर एक्सेसिवली ग्रो होता है इन अ मेल लाइक पैटर्न, स्पेशली इन एरियाज लाइक लोअर फेस, चेस्ट, लोअर अब्डोमेन, बैक। क्योंकि हिर्सुटिज्म एक्सेसिव मेल हार्मोन के प्रोडक्शन की वजह से होता है, तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, डीप वॉइस, इररेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, इंक्रीज्ड मसल मास, रिड्यूस्ड ब्रेस्ट साइज, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिट्रिस, या फिर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। अगर आपको हिर्सुटिज्म है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे हॉर्मोनल इम्बैलेंसेस को रूल आउट किया जाता है, या अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है टू रूल आउट पीसीओडी। ट्रीटमेंट डिपेंड होता है कि आपका अंडरलाइंग कॉज क्या है। ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, एंड अगर वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करें। हिर्सुटिज्म के लिए कुछ मेडिसिंस भी दी जाती हैं, स्पेशली जब आपको हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या एंटी एंड्रोजन्स, जिससे हम एंड्रोजन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। हिर्सुटिज्म में कुछ टॉपिकल मेडिसिंस भी लगाने के लिए होती हैं, जैसे कि ईफ्लोरनिथिन 13.9%। ये आपके हेयर ग्रोथ को ख़त्म नहीं करता, बट आपकी हेयर ग्रोथ को काफ़ी स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम विजिबल हो जाती है। हिर्सुटिज्म में जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, उसे रिड्यूस करने के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन का इस्तेमाल होता है। इसमें लाइट एनर्जी का यूज़ होता है, जो कि हेयर रूट्स के स्टेम सेल में ब्लैक पिगमेंट को टारगेट करता है। ये लाइट एनर्जी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ब्लैक पिगमेंट डिस्ट्रॉय होता है, जिससे आपकी हेयर रूट्स की ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 6-8 सेशंस का रिक्वायरमेंट रहता है, विच इज़ डन 4-6 वीक्स अपार्ट। कुछ हेयर रूट्स परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं और बाकी की हेयर रूट्स काफ़ी थिन एंड फाइन हो जाती हैं। हिर्सुटिज्म के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट इट डजंट डिफाइन हु यू आर। With proper knowledge and proper support, आप हिर्सुटिज्म को effectively manage कर सकते हैं। अगर आपको ये information valuable लगी, तो आप इस video को like and share कीजिए।